नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ, तो चलिए देखते हैं कि मैं आज क्या बनाती हूँ। आज मैं चिकन बनाऊंगी, वो भी बिना प्याज और लहसुन के। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पर आलू को बीच से कट कर लिया। आलू जो है बहुत बड़ा साइज नहीं है, छोटे साइज के आलू है। और यहाँ पर जो मैंने लाल सूखी मिर्च है उसे भी मैंने यहाँ पर बीच से कट कर लिया है। और मैंने यहाँ पर अदरक दिया है। अदरक जो है वो थोड़ा ज़्यादा डलता है इसमें, क्योंकि ना हम प्याज और लहसुन का इस्तेमाल यह नहीं करते हैं, इसी वजह से अदरक जो है थोड़ा ज़्यादा इसमें डलता है। तो चलिए पहले हम सूखे मसाले जो है वो बना लेते हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पर जो है दालचीनी यूज़ किया है 3, और 6 मैंने इलायची यूज़ किए हैं। जीरा मैंने 2 चम्मच यूज़ किया है। धनिया मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच यूज़ किया है। और काली मिर्च के 2 दाने हैं, वो मैंने यहाँ पर करीबन 1 चम्मच यूज़ किया है। इसे हमें अब अच्छे से फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा फ्राई करके हम इसका एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे ग्राइंडर में। तो मैं अभी इसे फ्राई कर रही हूँ। इसे मुझे अच्छे से फ्राई करना होगा, करके हम इसका एक पाउडर बना लेंगे। यहाँ पर देखिए ये भून चुका है। अब इसको हम निकाल के अच्छे से एक पाउडर तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा जो मसाले हैं उसका इस्तेमाल नहीं होता है, इसी वजह से ये जो सूखे जो मसाले हैं ये थोड़े ज़्यादा लगते हैं। यहाँ पर देखिए चिकन को मैंने धो लिया है। अब मैं यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल दिया है। तेल थोड़ा जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर आप कम तेल खाना चाहते हो तो वो आप कम तेल से भी बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जो है जीरा ऐड किया है। थोड़ा सा जैसे ही ये थोड़ा सा भून जाएगा, जैसे ही इसके एक अच्छा सा एक फ्लेवर आने लगेगा, तब हम इसमें आलू डाल के इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू ऐड कर लिया है। आलू को हमें अच्छे से रेड होने तक अच्छे से फ्राई करना होगा। अगर आपको आलू पसंद नहीं है चिकन में तो आप इसको बिना आलू के भी बना सकते हो। मेरे घर में बिना आलू के कोई नहीं खाता है इसको, इसीलिए मुझे आलू डालना होता है। तो अगर आपको आलू पसंद नहीं है तो आप आलू को स्किप कर दीजिए। और फिर इसमें मैं जैसे ही आलू थोड़े से भून जाएगा तब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी, और हमें चिकन को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना होगा आलू के साथ ही। चिकन को भी हम अच्छे से एकदम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत जल्दी और बहुत झटपट बन जाता है। जैसे कि हम नॉर्मल तरीके से जो चिकन खाते हैं, जैसे कि हम बहुत तरह तरह के रेसिपी बनाते हैं चिकन के, उसमें जो टाइम लगता है इसमें उसका हाफ टाइम लगता है इसे बनाने में। देखिए चिकन जैसे थोड़ा सा हल्का सा जैसे ही भून जाए तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने सूखी लाल मिर्च कट करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सूखे लाल मिर्च का जो बीज निकलता है वो बीज आप ना डालें, क्योंकि वो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो उसको हमें यूज़ नहीं करना है। मिर्च में अगर थोड़े बहुत लगे रहते हैं तो वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसमें हल्दी देंगे। हल्दी थोड़ा सा ज़्यादा देना होता है इसमें, तो हम यहाँ पर 2 चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी का यूज़ किया है। और नमक जो है वो स्वाद अनुसार, बस यही हमको देना होता है। और हमें अच्छे से इसे फिर से इसको हमें फ्राई करना है। और हमने यहाँ पर जो है वो अदरक कट करके रखे थे, उस अदरक का हमें एक यहाँ पर पेस्ट तैयार किया है, उस पेस्ट को हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से हमें इसे फ्राई करना होगा चिकन को। देखिए यहाँ पर जो चिकन है वो फ्राई हो चुके हैं लगभग, और अच्छे से हमको और थोड़ी देर और फ्राई करना होगा। देखिए हमने और थोड़ा सा फ्राई किया है। फ्राई करके हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी यहाँ पर मैंने लगभग 2 से 3 कप का इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ पर क्योंकि ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा रखा है इसलिए हमने 2 से 3 कप यहाँ पर यूज़ किया है। आप अपने अनुसार पानी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आप किस प्रकार से खाओगे, अगर आपको थोड़ा कम ग्रेवी चाहिए तो आप कम ग्रेवी दे सकती। इसे हमें थोड़ा उबालने देना है
जब तक कि जो चिकन और आलू सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ पर मेरा चिकन और आलू जो है वे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। फिर मैंने इसमें क्या किया है, जो मैंने मसाले जो पीस के रखे हुए थे उस मसाले को हमने इसमें ऐड कर लिया है। जो मसाला हमने पूरा पूरा जो मसाला जो तैयार होके बनेगा वो पूरा मसाला ही इसमें हमें ऐड कर लेना है। पहले मैंने थोड़ा सा मसाला ऐड किया, फिर मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। उसके बाद मुझे दोबारा मसाला मैंने उसमें ऐड किया, फिर मुझे अच्छे से इसको मिक्स करके 1 मिनट के लिए इसे छोड़ना है। थोड़ा सा जैसे उबल जाए तो ये चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो गया है, फिर आप इसे खा सकते हो। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ आप देख सको। देखिए, यहाँ पर चिकन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आज बस यही तक, नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द आपके लिए लाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।